सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस रिवीजन सेशन में, जहां हम रिवाइज करेंगे सर SA 330। SA 330 वन ऑफ द फेवरेट स्टैंडर्ड्स ऑफ ICAI एट CA फाइनल लेवल। सर ये क्या है? ये है आपका सीक्वल। ये है आपका सीक्वल। पहले आई बाहुबली, उसके बाद आई बाहुबली रिटर्न्स। तो ऐसे ही पहले आया SA 315, फिर आया SA 330। ये किसकी बात करता है सर? ये बात करता है AR स्क्वायर का मतलब है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। कैसे एक ऑडिटर रिस्पॉन्स करता है जो उसने रिस्क असेस करी है 315 में सर? बाय परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो फटाफट एक बार अपने चार्ट पे आ जाओ जो हमने क्लास में ड्रॉ किया था। सर क्या अभी पिछले स्टैंडर्ड में आप करके आए हो रैप। रैप का मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिससे आपने निकाली रोमम। ये रोमम दो पार्ट से बनी होती है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। तो जैसे हमने क्लास में एग्जांपल लिया था सर क्या, इनहेरेंट रिस्क निकल के आई 40%, कंट्रोल रिस्क है 25%। तो जब मैं कंट्रोल रिस्क 25% मान रहा हूं तो मेरा क्या अनुमान है सर? आपका ये एस्टिमेट है कि कंट्रोल्स 75% इफेक्टिव हैं या होंगे सर? होंगे। तो जो होंगे करके आप बोल रहे हो ना 75% होंगे, ये चेक भी करना पड़ेगा। ये चेक भी करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या वो 75% इफेक्टिव है। तो ये टेस्टिंग वाले प्रोसीजर कहाँ होते हैं? रैप में तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेके मजे ले रहे होते हैं। हाँ सर, टेस्टिंग वाली चीजें होती हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यही है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। जो आपने रिस्क असेस करी, अब रिस्पॉन्ड करने का मजा आएगा। रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? टेस्टिंग करके, बाय परफॉर्मिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब दो तरह की टेस्टिंग होती है सर क्या? सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें आप क्या करते हो सर? हम टेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर। क्या वो टाइमली मैनर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर रहे हैं सर? किस लेवल पे? असर्शन लेवल पे। क्योंकि पिछले SA 315 में हमने ये सीखा था, गलती ABCD में नहीं होती, गलती अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर में नहीं होती, गलती हमेशा असर्शंस में होती है। तो इन असर्शंस की मटेरियल मिसस्टेटमेंट से बचने के लिए इन्होंने कंट्रोल्स लगाए। तो क्या वो कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं? अब सर ये कंट्रोल्स की जो टेस्टिंग है, इसको किस तरह से असर्शन लेवल पे किया जाता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिस्क है कि भाई फिक्टिशियस परचेज रिकॉर्ड हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल लगाया कि जो भी गुड्स इनवॉइस्ड हैं, मतलब जिनकी मैं पेमेंट करने वाला हूँ, उनको रिकंसाइल करके चलो कि क्या गुड्स रिसीव हुई कि नहीं। क्योंकि अगर गुड्स रिसीव हुई तो फिर तो फिक्टिशियस परचेज नहीं होंगी। तो कौन सी दो असर्शन इसमें मैं ध्यान रख रहा हूँ सर? अकरेंस की एक्चुअल में परचेज अकर हुई है, प्लस कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या हो रहा है कि जो जो गुड्स रिसीव्ड हैं सिर्फ उनकी मैं पेमेंट करके चल रहा हूँ। तो कंप्लीट एकदम रिकॉर्डिंग सारी चीज़ों की हो रही है। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते क्यों हैं? हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते क्यों हैं? क्योंकि ये भी एक ICAI का फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाई डू यू नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल? मैं बताता हूँ। इसके पीछे वाला प्रोसीजर कौन सा था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसके बाद वाला कौन सा है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। इसी से आंसर निकलेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और कंट्रोल्स का लेना देना क्या है सर? है, जब मैंने रिस्क असेस करी तो मैंने माना कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव। तो जब भी आप रिस्क असेस करोगे, योर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज एन एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो बाबू टेस्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से क्या कमी है? मैंने कहा सब्सटेंटिव प्रोसीजर की ये कमी है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो जब अगर वो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे रहे, तो अब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, पिछले वाले और आगे वाले प्रोसीजर से पॉइंट उठाओ, आपका काम डन डना डन डन। तो यही बात यहां लिख रखी है। सबसे पहले आ जाओ SA 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। सर ये क्या लिखा है? मैंने कहा ध्यान से समझना। ये कहता है व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आप क्या करोगे सर? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए आपको रीजन पता होना चाहिए। सर किस चीज को लेके? जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करी 315 में, हाँ सर, वो क्यों करी? जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करी 315 में, वो क्यों करी? यानी द रीजन फॉर असेसमेंट ऑफ रोमम एट द असर्शन लेवल फॉर ABCD। ये आंसर सर कहां से निकल रहा है? 315 में याद है 4 एक्टिविटीज बताई थी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की। आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, रिस्क है तो कंट्रोल है, तो रिस्क को रिलेट करो, क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, एंड रिलेटेड कंट्रोल। हाँ सर। और लाइकली में लास्ट में मैंने कहा था लाइकलीहुड एंड मैग्नीट्यूड देख लेना। लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड मल्टीपल मिसस्टेटमेंट, प्लस अगर मिसस्टेटमेंट होगी तो क्या उसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा, क्या उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाए। हाँ सर। तो मैं बोल दूं रिस्क असेसमेंट में आपने दो चीजें कंसीडर कर ली सर क्या? एक तो लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क। हाँ सर, इसको आप प्यार से बोल सकते हो इनहेरेंट रिस्क। जो कंट्रोल्स को कंसीडर किया वो हो गई कंट्रोल रिस्क। इन दोनों से ही तो आपकी रिस्क असेसमेंट निकल के आई। हाँ, तो लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट एक साथ लिख दो। तो इसको क्या लिखेंगे? लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जहां आपने मटेरियल बोल दिया, मैग्नीट्यूड वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली इसमें घुस गया। तो लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ABCD। ठीक है सर। सेकेंड थिंग इज कंट्रोल रिस्क, यानी जहां भी रिस्क असेसमेंट ने कंसीडर किया रेलिवेंट कंट्रोल्स को, देयर बाय जहां आपने कंट्रोल्स को कंसीडर किया रिस्क असेसमेंट में, अब आपको उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपने माना था ना कि कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव, हाँ अब उसकी टेस्टिंग करो। सो व्हेनेवर रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलिवेंट कंट्रोल, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द एविडेंस वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। गॉट इट सर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिलाय करना चाहते हो। एंड लास्ट में कितना एविडेंस लेना है सर? जितनी ज्यादा रिस्क उतना एविडेंस आपको लेना है। मोर परसुएसिव एविडेंस हायर द असेसमेंट ऑफ द रिस्क। तो ये फ्लो ध्यान में रखते हुए चलना। सर क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते वक्त हम एज अ ऑडिटर क्या कंसिडर करते हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आईसीएआई पूछ लेता है। तो आप बोलोगे हम समझेंगे रीजन फॉर द रिस्क असेसमेंट, इनहेरेंट रिस्क यानी लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द असर्शन ऑफ एबीसीडी। उसके बाद एबीसीडी का मतलब क्या बताया था 315 में? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। उसके बाद जब भी रिस्क असेसमेंट में आपने कंट्रोल्स को कंसीडर किया यानी आप उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर रिलाय करने वाले हो, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और आखिरी में कितना एविडेंस इकट्ठा करें टेस्टिंग करके? जितनी ज्यादा रिस्क उतना परसुएसिव एविडेंस आप इकट्ठा करके चलोगे। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आते हैं सर? दो प्रोसीजर आते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम प्रोसेस चेक करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम अमाउंट चेक करते हैं, जो भी अमाउंट है पीएनएल या बैलेंस शीट आइटम की। ठीक है सर। सब्सटेंटिव में आ जाएगा टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसको आप प्यार से बोलते हो वाउचिंग वेरिफिकेशन, एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसकी बात हम करते हैं एसए 520 में। ठीक है, अगर अभी तक 520 नहीं किया तो उसकी भी रिवीजन कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर। सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल, शुभम सर ने क्या बताया? टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, अगर प्रिवेंट नहीं कर पा रहा तो डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। अब कंट्रोल टेस्टिंग क्यों करनी है? पिछला वाला प्रोसीजर, आगे वाला प्रोसीजर। पिछले वाले प्रोसीजर में किया था रिस्क असेसमेंट, उसमें माना था कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो चेक कर लो। व्हेनेवर द असेसमेंट ऑफ रोमम एट द असर्शन लेवल हैज एन एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, यू नीड टू टेस्ट इट। और द सब्सटेंटिव प्रोसीजर डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। अब सर एक बात बताओ, शुड वी टेस्ट द कंट्रोल्स एवरी टाइम वी डू ऑडिट? क्या हर ऑडिट में कंट्रोल्स को टेस्ट करना है? आंसर इज नो। बट हाँ, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे कंट्रोल्स को रीटेस्ट करना जरूरी हो जाता है। सर ये जो केसेस है इनको ध्यान में रखने के लिए आपको पता होना चाहिए सर क्या कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो आपको इंटर में पढ़ाए गए थे। क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ाए गए थे? एंटिटी का माहौल कैसा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसे एंटिटी रिस्क आइडेंटिफाई करती है, उसके लिए कंट्रोल्स लगाती है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, किस तरह से इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रोसेस वगैरह बनते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज कैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, कैसे परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, एंड लास्ट में आता है मॉनिटरिंग, कैसे चेक किया जाता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी बातें हम चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में भी कंसीडर करते हैं। अब सर इसी में से पॉइंट्स उठा लो, मुझे बताओ कंट्रोल्स को रीटेस्ट कब करना पड़ेगा? जब कंट्रोल अच्छे होंगे या डेफिशिएंट होंगे? सर डेफिशिएंट होंगे। तो ये कहता है देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द पहला कंपोनेंट एंड लास्ट का कंपोनेंट। बोलो मेरे साथ, देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द पहला कंपोनेंट एंड लास्ट का कंपोनेंट। सर पहला कंपोनेंट का मतलब है डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। लास्ट कंपोनेंट क्या था? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। प्लस आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में दो कंट्रोल होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। तो ये कह रहा है जो जनरल आईटी कंट्रोल है ये भी डेफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एंटिटी का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो इनकी एक्सेस सिक्योरिटी है, सिस्टम्स की एक्सेस ये ऐसे ही मिल जाती है, इसमें कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं लगे रखे। तो अगर यहाँ पे जनरल आईटी कंट्रोल्स बड़े वीक है तो आपको हर बार इनकी कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना डेफिशिएंसी किसमें है सर? दो चीज़ों में, पहले कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट में। क्या है ये? पहले कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट, कंट्रोल एनवायरमेंट और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, प्लस आईटी कंट्रोल्स भी वीक है यानी जो जनरल आईटी कंट्रोल है। उसके बाद आप मुझे बताओ किस पे भरोसा करोगे? आईटी पे भरोसा करोगे, इंसान पे? सर आईटी पे। अगर आईटी एक बार अच्छा काम करे तो आईटी अच्छा ही काम करेगी, बट इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। तो सर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है जब भी ये ऑटोमेटेड कंट्रोल नहीं है, मैनुअल कंट्रोल है, यानी देयर इज अ सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट इन द रेलिवेंट कंट्रोल, तो आपको रीटेस्ट करना पड़ेगा। या फिर जो बंदा पहले काम कर रहा था वो बंदा चला गया, नया बंदा आ गया, तो नए बंदे की नीयत चेक करो, नए बंदे को चेक करो वो ठीक से कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। यानी पर्सनल चेंजेस विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द कंट्रोल। तो दो हो गए बंदे वाले पॉइंट, या तो बंदा ही कंट्रोल कर रहा है या फिर बंदा चेंज हो गया। एंड लास्ट में कहते हैं बंदा ही नहीं, हालात चेंज हो गए। देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंस विच इंडिकेट द नीड फॉर चेंज इन कंट्रोल। सो फॉर एग्जाम्पल टीडीएस की डेट ही बदल गई, टीडीएस डिपॉजिट करने की। तो टीडीएस डिपॉजिट करने की डेट अगर बदल जाएगी तो आपको अपने कंट्रोल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपने प्रोसेसेस को चेंज नहीं किया तो फिर आप पे सरकार पेनल्टी वगैरह लगा सकती है। तो अगर चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज और उसमें चेंज इन कंट्रोल आता है तो वापस आप उसको रीटेस्ट करोगे। तो तीन डेफिशिएंसी वाले पॉइंट, बंदों वाला और चेंज वाला। बताओ क्या डेफिशिएंसी थी? कंट्रोल एनवायरमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, तीसरा क्या था जनरल आईटी कंट्रोल। फिर इसने बोला मैनुअल एलिमेंट, और मैनुअल चेंज भी हो गया और हालात भी बदल गए। इसके बाद सर एक और टॉपिक आता है सर, क्या व्हाट विल द ऑडिटर कंसिडर व्हाइल डिटरमाइनिंग, इससे मिलता जुलता ही टॉपिक है, whether the evidence of previous audit can be used for the test of control। So basically आपने पिछले ऑडिट में भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया था, तो तब जो एविडेंस मिला था क्या वो आप इस ऑडिट में यूज कर सकते हो या नहीं। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, अगर चीजें इफेक्टिव हैं तो ही आप यूज करोगे। मैंने पहले रीटेस्ट के लिए क्या बोला, जब चीजें डेफिशिएंट होंगी, तो यहां मैं बोलूंगा जब चीजें इफेक्टिव है तो आप यूज कर लो। अब सर इफेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। अदर एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जो भी आपके अदर एलिमेंट्स हैं, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, मॉनिटरिंग, ये सब इफेक्टिव है। प्लस जो मेन पार्ट ऑफ कंट्रोल होता है वो होता है कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब है कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन, जिसमें एक्चुअल में यू कैन से चीजों को बचाया जाता है, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस रिव्यू करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, जहाँ पे आप फिजिकल सेफगार्ड लगाते हो एसेट्स के लिए। सो दिस इज द एक्चुअल कंट्रोल। सो इफ योर एक्चुअल कंट्रोल एक्टिविटीज आर प्रॉपर, उसको सपोर्ट करने वाले एलिमेंट्स आर प्रॉपर, एंड योर फेवरेट जनरल आईटी कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, तो फिर आप उस एविडेंस को रीयूज कर लो। ठीक है सर, फिर चेक करो ये मैनुअल कंट्रोल है ऑटोमेटेड, अगर मैनुअल है तो नहीं यूज कर सकते, ऑटोमेटेड है तो कर लो। एंड लास्ट में चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, अगर सर्कमस्टेंसेज वगैरह चेंज हो रहे हैं तो फिर आप इसको वापस यूज नहीं कर पाओगे। तो यही पॉइंट आपके यहाँ लिख रखे हैं सर। क्या सबसे पहले इफेक्टिवनेस वाले पॉइंट कर लेते हैं। इफेक्टिवनेस किसकी, सबसे पहले तो कंट्रोल एक्टिविटीज की, कंट्रोल एंड इट्स एप्लीकेशन। अब अगर आपको पिछली बार कोई डेविएशंस वगैरह मिली थी, डेविएशंस व्हिच वर नोटेड इन प्रीवियस ऑडिट, उनको ध्यान रखना। प्लस वेदर देयर हैव बीन एनी पर्सनल चेंजेस व्हिच अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। दूसरी इफेक्टिवनेस कहाँ बताई थी, अदर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल, दैट इज योर कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। प्लस इफेक्टिवनेस और किसकी थी, जनरल आईटी कंट्रोल। तो पिछले वाले टॉपिक से 3 पॉइंट हमने इफेक्टिवनेस वाले उठा लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया चेंजिंग सर्कमस्टेंस। सर चेंजिंग सर्कमस्टेंस क्या है, कि सर्कमस्टेंसेस तो बदल गए बट कंट्रोल नहीं बदला। लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल, इट ऑल्सो पोजेज अ रिस्क ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे भी आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, एविडेंस लेना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कहता है आपको देखने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल क्या है, मैनुअल है या ऑटोमेटेड। मैनुअल है तो रीटेस्ट करना जरूरी है, ऑटोमेटेड में जनरली रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप एविडेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने 5 बातें ध्यान रख के चलनी है। अब सर देखो क्या कहता है, इफ द ऑडिटर प्लान्स टू यूज द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट, तो उसको देखना पड़ेगा क्या ये एविडेंस आज भी रेलिवेंट है या नहीं। सर ये कैसे पता चलेगा, चेक करो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए कंट्रोल में। ठीक है सर, अब ये कैसे पता चलेगा चेंजेस हुए कि नहीं, तो ये कहते हैं अगर चेंजेस हुए हैं तो आप कंट्रोल्स को वापस टेस्ट करो, बट अगर चेंजेस नहीं हुए हैं तो आपको कंट्रोल्स को टेस्ट करना चाहिए इन एवरी 3rd ऑडिट। हर 3 में से 1 ऑडिट में आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। प्लस जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अनयूजुअल नेचर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, एंड लास्ट में कौन सा बताया था सर, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इनके कंट्रोल्स तो आपको हर बार टेस्ट करने ही करने हैं। अब आईसीए का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो सीए इंटर लेवल पे वो बार बार पूछता है सर, क्या हाउ टू नो हाउ मच टेस्टिंग नीड्स टू बी डन एज अ ऑडिटर, मुझे कितनी टेस्टिंग करने की जरूरत है। तो सर डिपेंड करता है कंट्रोल पे और उसके कुछ फैक्टर्स पे। तो ये कहता है मैटर्स दैट द ऑडिटर कैन कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टीओसी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सर क्या, सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, किस फ्रीक्वेंसी पे आप कंट्रोल परफॉर्म करते हो। सर मतलब क्या ये डेली प्रोसेस है, क्या ये वीकली प्रोसेस है, क्या ये मंथली प्रोसेस है, क्या ये क्वार्टरली प्रोसेस है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आप इस पे एविडेंस इकट्ठा करके चलोगे। ठीक है सर, फिर देखना है लेंथ ऑफ टाइम, कितने लेंथ ऑफ टाइम के लिए आप इस कंट्रोल पे अपना भरोसा करना चाहते हो। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ टाइम पे आप कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पे भरोसा करना चाहते हो, उतना आपको एविडेंस लेना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है सर, फिर कहता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ कंट्रोल। अगर आपको लगता है यहाँ पे ज्यादा डेविएशंस वगैरह हो सकती है, कंट्रोल्स में गड़बड़े वगैरह थोड़ी हो सकती है, तो भाई साहब ठीक से टेस्ट करके चलो एक्चुअल में डेविएशंस हैं कि नहीं। ठीक है सर, देन आता है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसको आप प्यार से बोलते हो क्वालिटी ऑफ एविडेंस। तो अगर क्वालिटी ऑफ एविडेंस अच्छी है तो कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड लास्ट में कहता है एक्सटेंट टू विच द एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू द सेम असर्शन। सर इसका क्या मतलब है, मान लो मैं परचेजेस के कंट्रोल चेक कर रहा हूँ, और परचेजेस के कंट्रोल को चेक करने से जस्ट पहले मैं कैश के कंट्रोल देख के आया हूँ, और कैश के कंट्रोल में मेरे कुछ कैश परचेज के सैंपल आए थे। परचेज के कंट्रोल करने से चेक करने से पहले मैं कैश के कंट्रोल चेक करके आया हूँ, और कैश के कंट्रोल्स में कैश परचेज के कुछ सैंपल आए हैं। क्या मैं कैश परचेज के सैंपल्स को परचेज के कंट्रोल में यूज कर सकता हूँ? आंसर इज येस। तो जब मैं ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुका हूँ तो इससे क्या होगा सर, इससे मेरी एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग अब कम हो जाएगी, कम मेहनत में भी मेरा काम हो जाएगा। तो आपने बस ये 5 बातें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको मजे करा देता हूँ। सर क्या एग्जाम हॉल में ना दिक्कत बस यही आती है कि जो अभी मैंने आपको समझाया याद नहीं आता, तो सर कैसे याद रहेगा। मैंने कहा आप बोलो कंट्रोल टेस्टिंग से हमको चाहिए रिलीफ, कंट्रोल टेस्टिंग से हमको चाहिए रिलीफ। सर रिलीफ का क्या मतलब है? आर ई का मतलब है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है सर। एल का मतलब है लेंथ ऑफ टाइम, ई का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अदर ई का मतलब है एक्सटेंट टू विच द एविडेंस इज अवेलेबल फ्रॉम अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर द सेम असर्शन, एंड एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब सर एक बात बताओ, मैंने जो कंट्रोल टेस्टिंग है वो इंटरिम पीरियड तक कर रखी है, इंटरिम पीरियड तक कर रखी है मतलब मैंने 9 महीनों की टेस्टिंग कर रखी है। तो अब मुझे बताओ बाकी 3 महीनों का क्या करूं? सर कुछ नहीं करना। अगर आपने 9 महीनों की टेस्टिंग कर रखी है, साल में होते हैं 12 महीने, वाह सर क्या बढ़िया बात बताई। अगर साल में 12 महीने और आपने 9 महीने की टेस्टिंग कर रखी है, तो अगले 3 महीने के लिए आपको सिर्फ 2 एविडेंस लेने हैं। सर क्या? एक तो 3 महीने का एडिशनल एविडेंस कि अगले 3 महीने में भी ये ठीक से काम कर रहा था कि नहीं, प्लस 9 महीने से 3 महीने में अगर कंट्रोल में कोई चेंजेस आए हैं। अगर 9 महीने से 3 महीने में कंट्रोल में कोई चेंजेस आए तो उन चेंजेस को लेके आप एविडेंस इकट्ठा करोगे, तो ये 2 एविडेंस आप इकट्ठे करोगे आफ्टर द इंटरिम पीरियड। एंड लास्ट में आता है सर हमारा फेवरेट टॉपिक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पानी के 2 घूंट लगा लो। हाँ सर, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या किया जाता है? कंट्रोल्स में तो आपने प्रोसेस देखा है, फॉर एग्जाम्पल आप परचेज की टेस्टिंग कर रहे हो तो कंट्रोल्स में तो आपने प्रोसेस देखा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या करोगे? सर परचेज की अमाउंट चेक करेंगे। परचेज की अमाउंट कैसे चेक करोगे? वाउचिंग वेरिफिकेशन वगैरह करके। तो एक बार आओ जल्दी से, एक बार अपनी किताब पे फटाफट रिवाइज कराता हूँ। तो ये कहता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप रुपए वाली चीज चेक करते हो, तो इसको चेक करने की 2 तरीके होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में बोलते हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग पीएनएल आइटम्स के लिए, वेरिफिकेशन बैलेंस शीट आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे आप इनवॉइस देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हो, एग्रीमेंट वगैरह देख सकते हो। एनालिटिकल प्रोसीजर में कुछ नहीं करते, इस साल की फिगर को पिछली बार से कंपेयर किया, देखा कितनी बढ़ गई कितनी घट गई, उसको बेसिस पे प्रोसीजर करते हैं, 520 में डिटेल में कवर करते हैं। अब सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने क्यों है? यहां पे भी आंसर निकालो पिछले वाले प्रोसीजर से। तो बताओ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के साथ क्या कमी है? सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में जो हम रिस्क निकालते हैं ना वो कोई डेफिनेट नहीं होती, इट इज अ वेरी जजमेंटल थिंग। और हो सकता है हमसे कोई रिस्क छूट जाए, हो सकता है हमसे कोई रिस्क छूट जाए। सो रिस्क असेसमेंट इज अ जजमेंटल प्रोसेस एंड यू मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ दिक्कत क्या है? सर कंट्रोल्स की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं। सो कंट्रोल्स हैव देयर ओन इनहेरेंट लिमिटेशन, एग्जांपल कॉल्यूजन। अगर हमारा सप्लायर और परचेज मैनेजर ही मिल जाएंगे तो ये एंटिटी की बैंड बजा देंगे। तो परचेज मैनेजर और सप्लायर अगर मिल गए तो एंटिटी की बैंड बजा देंगे। तो कॉल्यूजन भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाती है। तो यही बात आपने ध्यान रखनी है सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या आता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना जरूरी है, आंसर इज यस, इट इज कंपल्सरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। डिजाइन एंड परफॉर्म द सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर ईच मटेरियल एबीसीडी, सबके लिए नहीं, सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए। क्यों? सबसे पहला पॉइंट निकालो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, रिस्क इज जजमेंटल एंड यू मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल द रोमम एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस इन द इंटरनल कंट्रोल, एग्जांपल मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको कॉल्यूजन पढ़ाया था क्लास में। क्या ये रिवीजन यहीं खत्म होती है? आंसर इज नो। ICAI ने आपके एग्जाम के लिए 3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे हैं क्वेश्चन बैंक में, फटाफट आ जाओ वो भी एक बार कवर कर लेते हैं। हाँ जी मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इजीली हैंडल कर लोगे। लास्ट लाइन रीड करो, एज अ एडवाइजर टू द ऑडिटर कॉशन हिम अबाउट द फैक्टर्स विच रिक्वायर रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अभी पढ़ाया आपको रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल कब होता है, जब डेफिशिएंसी होती है पहले कंपोनेंट में लास्ट कंपोनेंट में। सर पहला कंपोनेंट क्या था? कंट्रोल एनवायरमेंट, लास्ट कंपोनेंट था मॉनिटरिंग प्लस जनरल IT कंट्रोल, ठीक है सर, ये रहा पॉइंट। उसके बाद मैंने कहा था इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती, मशीन तो बढ़िया काम करती है, ऑटोमेशन। सो इंसान का मतलब है मैनुअल, मैन होता है ना इंसान, हाँ सर मैनुअल एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है सर, प्लस इंसान चेंज हो गया, हालात बदल गए, तो तब भी आपको कंट्रोल्स को रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो इजी क्वेश्चन था, फटाफट हो गया। भगवान से प्रे करो ऐसा आसान क्वेश्चन ऐसे पूछ ले। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2, RTP November 21। While formulating the audit plan and responding to the ROMM identified and assessed in relation to related party transaction, जहां related party transaction और relationship यहाँ पे आपको मिल गई, ध्यान रखना SA 550 का तड़का लगाना है। तो ये कह रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम प्लान बना रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टू रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड, ठीक है सर। इसके बाद कहता है मिस के द एंगेजमेंट मैनेजर ऑफ द ऑडिट टीम डिसाइडेड टू रिलाई ऑन द कंट्रोल। सारे बच्चे बताओ इसने जहां कंट्रोल्स पे रिलाई करने का सोचा, क्या इसने अपना काम बढ़ा दिया? हाँ, क्योंकि जहां आप कंट्रोल्स पे रिलाई करते हो रिस्क असेसमेंट में आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। सो रिलाई अपॉन द कंट्रोल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन एज पर FRF। यू हैव टू गाइड मिस के रिगार्डिंग द नेसेसिटी टू टेस्ट द कंट्रोल टू गेट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। मुझे बताओ कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना जरूरी क्यों है? सर सिंपल सी बात है, दोनों प्रोसीजर से आंसर निकालो रिस्क असेसमेंट से। जब भी रिस्क असेसमेंट में आप कंट्रोल्स को इफेक्टिव मानोगे टेस्ट करके चलो। सो ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम एट असर्शन लेवल्स इट हैज अ एक्सपेक्टेशन कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो चुपचाप चेक करो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर काफी नहीं है, यानी दे डोंट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस एट असर्शन लेवल। पहला पॉइंट तो हो गया सर, वेरी वेरी गुड। सेकेंड थिंग ऑल्सो गाइड मिस के कि कैन शी यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन इन इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड यानी एग्जाम्पल 9 months, तो 9 months का क्या मैं एविडेंस यूज कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, बट बाकी 3 महीने के लिए क्या बोला था सर? एडिशनल एविडेंस, और 3 महीने में अगर कोई चेंजेस आए तो उसको लेकर एविडेंस लेना। तो यही दो बातें आपने ध्यान रखनी है, ऑब्टेन द एविडेंस ऑफ चेंजेस इन द कंट्रोल सब्सिक्वेंट टू द इंटरिम पीरियड, एंड सेकेंड थिंग इज एडिशनल एविडेंस फॉर द रिमेनिंग पीरियड। तो इसी के बेसिस पे आपने बस कंक्लूजन अपने वर्ड्स में लिख के चलना है। सर स्टार्टिंग में क्या दे रखा था SA 550 का तड़का। तो SA 550 में इन्होंने बोला देयर इज अ पैरा ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एसोसिएटेड विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन से उठाया है। देखो, रिस्पॉन्सेज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन रिलेशन टू द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। तो इसके रिलेटेड जो पैरा है इसके हिसाब से कहता है ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्टिंग, जैसे घबरा मत जाया करो बड़ा नाम सुन के। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्टिंग, तो जब ऑडिटर टेस्टिंग करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। किसको लेके? जो उसने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करी वो ठीक करी या नहीं। सो इस पैरा के हिसाब से जो आपने क्वेश्चन से उठाया, आप क्या करोगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करोगे ताकि एविडेंस मिल जाए अबाउट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर आप अपना क्वेश्चन के आंसर लिख के चलो। क्या आंसर की फ्रेमिंग क्लियर है? हाँ सर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एकदम प्यारा क्वेश्चन है। व्हाइल कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ होप सॉल्यूशंस लिमिटेड, होप है तो स्कोप है, CAY हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू बी लो। ये आ गई अपने काम की बात। ये दोनों लेवल पे कह रहा है, लो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल, ठीक है सर। ये कह रहा है बिजनेस लेस रिस्की है। बिजनेस लेस रिस्की है इसका मतलब इनहेरेंट रिस्क कम हो गई, प्लस सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट है, तो इसका क्या मतलब हो गया सर? कंट्रोल रिस्क कम हो गई। तो जब दोनों ही कम है इसीलिए ये कह रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, ठीक है सर। कह रहे डिस्पाइट द लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही स्टिल चूजेस टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू द थर्ड पार्टी। किस चीज की कंफर्मेशन लेनी है? फॉर द मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द कंपनी। By doing so, he wants evidence regarding certain assertions in the financial statement. Do you think the approach is as per standard on auditing and justify your answer? इस आंसर को करने से पहले सारे बच्चे मुझे कुछ बेसिक्स बताओ। सर क्या, जब भी मैं बोलता हूँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आपके दिमाग में कौन सा ऐसे आता है? सर हमारे दिमाग में आता है SA 505। वेरी वेरी गुड। बट क्या SA 505 ने तुमको बताया कि हम डिसीजन ले रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का? नहीं। जब मैं बात करूंगा डिसीजन ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन, दैट इज डिसाइडेड बाय SA 330। बट एक्सटर्नल कंफर्मेशन करना कैसे है? हाउ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन नीड्स टू बी सेंट, ये हाउ का आंसर 505 देता है। बट डिसाइडिंग कि वेदर यू वांट टू सेंड इट और नॉट, ये SA 330 डिसाइड करता है, ठीक है सर। अब आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है ये बता दो सर। अब आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है, हमको कैसे हिट करेगा, तो मुझे बताओ। पूरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? सर पूरे क्वेश्चन में कह रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। पूरे क्वेश्चन में कह रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, फिर भी हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? आंसर इज सही है। क्यों सर सही क्यों है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ भी हो हमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने होते हैं, हाँ, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन से मैं अमाउंट ही तो चेक करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं वो बैलेंस शीट और पीएनएल की अमाउंट ही तो चेक करता हूँ। आंसर इज यस। तो जब आप वो अमाउंट चेक कर रहे हो तो दैट इज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो आपने यही लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रोमम, जो भी मटेरियल ABCD होगा उसके लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है। क्यों करना है? दोनों से आंसर निकालो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क इज जजमेंटल सो मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क। कंट्रोल्स की क्या दिक्कत है? सर कंट्रोल्स की अपनी लिमिटेशन है। तो ये तो आपके आंसर का पार्ट बनेगा ही। साथ ही साथ आप SA 330 लिखोगे तो आपने ये वाला पार्ट लिख दिया रिस्पेक्टिव ऑफ रोमम, आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है हर मटेरियल ABCD के लिए, ठीक है सर। उसके बाद आप बोलोगे क्यों करना है, इसका आपने यहाँ पे रीजन दे दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला एक्सटर्नल कंफर्मेशन सिर्फ अमाउंट के लिए नहीं होती, कई बार आप सामने वाले सप्लायर से पूछ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन, एग्रीमेंट की इन्फॉर्मेशन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये कहता है ये एक एडिशनल पैरा है जो आपको ध्यान रख के चलना है। External confirmation are frequently are relevant for addressing the assertions of account balance and their elements. Sir elements में मैं क्या पूछ सकता हूँ? Agreement, contract और transactions के बारे में, ठीक है बॉस, ठीक है सर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ना मेन चीज यही पकड़नी थी कि सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज किया जा रहा है, प्लस रोमम कम है तो भी क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने की जरूरत है? आंसर इज यस। कुछ भी रोमम हो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है। ये 2 पॉइंट्स लिखो और एक्सटर्नल कंफर्मेशन की थोड़ी सी थ्योरी। थ्योरी में भी क्या लिखना है, सिर्फ बैलेंस चेक नहीं करेंगे, उसके एलिमेंट्स भी चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और ट्रांजेक्शन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या आपने 505 में ये बात लिख रखी है नोट्स में? क्या आपने 505 में ये बात लिख रखी है नोट्स में? मैंने कहा हाँ, एक बार जल्दी से 505 के एंड में आओ ना प्लीज। विकी प्लीज आ गए सर। 505 के अगर आप एंड में आओगे तो वहां पे मैंने लिखा है टॉपिक्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन गिवन इन SA 330। तो SA 330 ही बताते हैं कौन से एरियाज है जहां पे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर सकते हो, प्लस आप कैसे फैक्टर्स को कंसीडर करते हो इन डिसाइडिंग कि क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना है एज ऑडिट प्रोसीजर। तो पहले आप देखते हो कि क्या कंफर्मिंग पार्टी को नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो क्या हमको वो बताएगी, और अगर बताएगी तो क्या हम उस पर विश्वास कर पाएंगे, यानी उसकी ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है बॉस? ठीक है सर। सो यहाँ हमारी SA 330 की कॉम्प्रीहेंसिव रिविजन कम क्वेश्चन बैंक डिस्कशन कंप्लीट होती है। आई होप यू रियली एंजॉयड। एकदम प्यारा खूबसूरत सा मजेदार ऐसे है, बस सही अप्रोच से आपने पढ़ के जाना है। ठीक है बॉस? ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिवीजन। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।